नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के, कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के, जब भी मुझे पाओगे बदला हुआ पाओगे। तेरी ख्वाहिश थी मेरा कमरा सजाने की, लेकिन मेरे कमरे में कुछ भी नहीं सिवाय किताबों की। नमस्कार दोस्तों, मैं समित सिंह राजपूत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे नवजीवन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की जो मेरी कोटेशन थी मेरे उन भाइयों और बहनों के लिए थी जो घर से दूर, अपने परिवार से दूर बाहर रह के अन्य शिक्षण संस्थाओं में, कोचिंगों में और अन्य जगह पर नौकरी के लिए तैयारी करते हैं। तो उनके मैंने देखा है रूम में कुछ नहीं होता, सिर्फ किताबें ही किताबें होती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा राष्ट्रपति, क्या होता है राष्ट्रपति आज जानेंगे हम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। नॉर्मली बात है कि राष्ट्रपति होता क्या है, क्या होता है राष्ट्रपति? राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक होता है राष्ट्रपति। देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। तो आइए जानते हैं क्या होता है राष्ट्रपति। देश का प्रथम नागरिक होता है, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। हमारा संविधान का अनुच्छेद 52 आर्टिकल 52 राष्ट्रपति की पद की व्यवस्था करता है। पद की व्यवस्था करता है हमारे आर्टिकल 52 हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 में यह स्पष्ट कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह बात हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 में कही गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब हमारा अनुच्छेद 53 क्या कहता है, अनुच्छेद 53 आर्टिकल 53 हमारा अनुच्छेद 53 कहता है कि संघीय कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका उपयोग वह स्वयं स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है साहब, राष्ट्रपति क्या होता है संविधान के अनुसार? राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, वह राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। वह राष्ट्र राष्ट्राध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।
वह राष्ट्राध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति में निहित क्यों होगी? क्योंकि जो भी संघ के कार्य हैं वो कार्यपालिका के कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति नाम मात्र का बताया गया है। राष्ट्रपति को नाम मात्र का बताया गया है। क्यों बताया गया है? क्योंकि संघीय कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्ति है वो हमारे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित है, इसलिए हमारे राष्ट्रपति साहब को नाम मात्र का बताया गया है। क्योंकि वास्तविक शक्ति का जो प्रयोग हमारे प्रधानमंत्री और मंत्री पर मंडल करते हैं, इसलिए इन्हें नाम मात्र का बताया गया है। क्यों बताया गया इन्हें नाम मात्र का? क्योंकि हमारे भारत देश में संसदीय सरकार चलती है, संसदीय सरकार चलती है, उसके अंतर्गत क्या होता है कि हमारे जो कार्यपालिका की शक्ति तो राष्ट्रपति के नाम से चलती है, लेकिन जिसका वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल होता है। जबकि अध्यक्षीय सरकार की हम बात करें, जिसका उदाहरण है हम अमेरिका को लेते हैं, अमेरिका में क्या होता है, एक वहां का जो कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है, और उनके कार्य से नाम से राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। यानी सीधा सा उदाहरण है भाई लोगों कि अमेरिका में कोई प्रधानमंत्री पद नहीं है, भारत में हमारे प्रधानमंत्री का पद है। अमेरिका में जो राजा होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन भारत का जो राजा होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, इतना कुछ समझ में आए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति निर्वाचन होने की योग्यताएं क्या है, वो क्या क्वालिफिकेशन है उसमें, ठीक वो देखते हैं हम। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 58 संविधान के अनुच्छेद 58 में इनकी योग्यताएं दी गई है। अर्हताएं जिसे हम कहते हैं या योग्यताएं कह सकते हैं वो दी गई है। तो पहली योग्यताएं क्या है? वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, दूसरी योग्यता क्या है? उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, तीसरी भाई क्या योग्यता है? तीसरी योग्यता है कि वह है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हूं। और हमारी चौथी योग्यता क्या होती है? वह किसी लाभ के पद पर न हो, तो दोस्तों ये चार क्वालिफिकेशन जिसे हम योग्यता ही कहते हैं, कोई भी उम्मीदवार राष्ट्रपति बनने के योग्य है तो उसके लिए ये चार योग्यताएं जरूर होनी चाहिए। क्या है कि अनुच्छेद 58 में कहा गया है कि वह भारत का नागरिक हो, सर्वप्रथम क्या हो? भारत का नागरिक हो, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। दोस्तों मैंने बताया है लोकसभा के लिए कितनी, लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और हमारे राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष हो। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो,
ठीक है, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, ये चार योग्यताएं होनी जरूरी है राष्ट्रपति के पद के लिए कोई भी उम्मीदवार आता है तो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब दोस्तों हम देखेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होता है, तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 54 व 55 में इसका वर्णन दिया गया है। तो हम देखेंगे, अनुच्छेद 54 के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। अब देखो ये निर्वाचक मंडल क्या होता है, संसद के दोनों सदनों राज्यसभा लोकसभा तथा राज्य विधानसभा से निर्वाचित सदस्यों द्वारा मिलकर बनेगा ये निर्वाचक मंडल। लोकसभा तथा राज्यसभा बाकी निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभा सभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा बनेगा। निर्वाचक मंडल लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा बनेगा। विधि क्या होती है चुनाव की, विधि क्या होती है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त रूप से होती है। इनका जो चुनाव है वो विधि आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त रूप से होता है। अब ये होता है, पर इसमें जीतने के लिए विधि क्या है, क्या विधि चाहिए इसमें जीतने के लिए, तो इसमें यह तो विधि लगती है। उम्मीदवार को जीतने के लिए कितने वोट प्राप्त करने होते हैं, कुल वैध मतों के डाले गए में से आधे में से एक अधिक। उदाहरण समझना, कोई भी उम्मीदवार है उसके 100 वोट आई है, कितने वोट, 100 वोट, कोई भी उम्मीदवार है उसके 100 वोट आई,
इसमें क्या कहा गया कि कुल वेद मत, ये हो गए कुल वेद मत हमारी, इसमें से आधे कितने हो गए 50। कहा क्या जा रहा है कि कुल वेद मतों में से आधे में से एक अधिक, आधा हूं एक अधिक कितना हो गया 50 और 51, जिसके आते हैं वो होता है विजय। आधे में से एक अधिक जिस उम्मीदवार के आते हैं वो वहां से विजय होता है, जिसे न्यूनतम कोटा कहते हैं हम, न्यूनतम कोटा। और एक होता है भाई जमानत राशि, जमानत राशि क्या होता है, कोई भी उम्मीदवार हो अगर राष्ट्रपति पद के लिए आता है तो उसे जमानत राशि उसे देनी पड़ती है, वो है हमारी 15,000 रुपए। कोई भी उम्मीदवार को 15,000 रुपए जमा करना पड़ता है। अगर उम्मीदवार एक बट्टा छह भाग मत प्राप्त करता है तो ये राशि उसे वापस मिल जाएगी। अगर एक बट्टा छह यानी एक भाग छह चौथाई छह ये वापस नहीं कर पाता, इतने मत नहीं आते, एक बट्टा छह मत कोई भी उम्मीदवार प्राप्त नहीं करता, तो ये राशि क्या हो जाती है, ये राशि भारत सरकार द्वारा जब्त हो जाती है। और जब्त होकर कहां चली जाती है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई में जाके जमा हो जाती है ये 15,000 रुपए की राशि। इसलिए कोई भी उम्मीदवार हो उसे एक बट्टा छह भाग मत लाना अनिवार्य होता है, अगर वो नहीं लाता है तो उसकी वो जमानत राशि जब्त की जाती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब इनका बात करते हैं, इनका जो चुनाव होता है राष्ट्रपति का वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। क्योंकि आपने दिया है क्या राष्ट्रपति का वोट, नहीं दिया ना, मैंने भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमारा नहीं लगता, हम प्रत्यक्ष रूप से वोट करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से हम वोट नहीं करते। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने की अनुमति नहीं है, इनको अनुमति नहीं है किसकी, राष्ट्रपति के चुनाव में ये मत नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ये बाद में देखते हैं, लेकिन ऐसे कौन से सदस्य है जो नहीं कर सकते, कौन नहीं कर सकता भाई, ये देखो लोकसभा के मनोनीत सदस्य, और कौन नहीं कर सकता, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, और कौन नहीं कर सकता, राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य, और कौन नहीं कर सकता राष्ट्रपति को चुनाव, राज्य के विधान, राज्य के विधान परिषदों के सदस्य। ठीक है दोस्तों, ये चार ऐसे हैं जो राष्ट्रपति को मतदान नहीं करते। क्यों नहीं करते, तो आपको मैंने बताया है कि हमारे लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य निर्वाचित करता है, सॉरी मनोनीत करता है, लोकसभा में राष्ट्रपति दो अंग एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करता है, और राज्यसभा में हमारे 12 सदस्य मनोनीत करता है, और राज्य विधानसभा में, राज्य विधानसभा में राज्यपाल एक एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करता है, और राज्य के विधानसभा के सदस्य ये भी हमारे राष्ट्रपति को वोट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि राष्ट्रपति इनको चुनता है, ये राष्ट्रपति को कदापि नहीं चुन सकते,
राष्ट्रपति इनका चुनाव करते हैं, इनको मनोनीत करते हैं। और राज्य विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो हमारे राज्य विधानसभा में एक सदस्य मनोनीत राज्यपाल करता है, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हमारे राष्ट्रपति महोदय। इसलिए ये चार ऐसे हैं जो हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में मत नहीं कर सकते, अपना वोट नहीं दे सकते। तो धन्यवाद दोस्तों, आज भी अगर हमारी क्लास आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर ये राष्ट्रपति का हमारा टॉपिक जो लंबा चलेगा, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कार्यकाल और शक्तियों का देखेंगे। धन्यवाद।